नमस्कार, आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर टू गाइड। दिस इज द टाइम वेयर लॉट्स ऑफ अस आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। वी आर अफ्रेड व्हाट इज हैपनिंग टू अस एंड वी डोंट नो इवन अ स्मॉल सिम्टम। एक छोटी सी चीज भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि हम बहुत परेशानी इस वाले वक्त से निकल के आए हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कोविड के बाद ज़्यादातर लोग क्या फेस कर रहे हैं। और पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सेल्फ लिमिटिंग हैं, ये अपने आप ठीक भी हो रही हैं। तो आपको इस बात से आगाह करा रही हूँ कि ये हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन परेशान मत होइए। तीन चीज़ें जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कोविड के बाद, वो है रैश। अब रैश एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसका मतलब है कि रेडनेस जो है वो आपके टॉर्सो, ये आपके चेस्ट वाले रीजन पे, और काफ़ी लोगों के सिर्फ आर्म्स और लेग्स पे आ रही है। हम इसको पिट्रेसिस रोजिया बोलते हैं, बहुत पुरानी चीज़ है। इसको हम हमेशा पोस्ट वायरल सिंड्रोम बोलते थे। अब वायरस में क्योंकि कोविड का नाम आ गया है, तो ये पोस्ट कोविड बोला जा रहा है। सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, ज़्यादातर लोगों में खुजली भी नहीं करती है, देखने में ज़्यादा खतरनाक लगती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैश आ रही है और आपको 6-7 दिन हो चुके हैं, तब तक उसका उतार शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो डॉक्टर से सलाह कीजिए। लगाना इसमें कुछ भी नहीं होता है, प्लेन कैलमीन लोशन। एक्चुअली इसमें इचिंग भी नहीं होती है, पर क्योंकि समर का मौसम है तो कई बार पसीने की वजह से इचिंग हो जाती है, तब आप एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। तो रैश से डरिए मत, रैश के बारे में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर कीजिए। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है कोविड टोज। कोविड टोज का मतलब है कि जो पैर की उंगलियां हैं उनकी सर्कुलेशन कम हो जाती है और वो हल्के से नीले लगने लगते हैं। याद है आपको सर्दी में हमने चिल ब्लेन्स की बात की थी कि पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो टोज और हाथों के पोर भी बहुत दर्द करने लगते हैं। तो ये हम 3 से 13 दिन तक लोगों में देख रहे हैं, लेकिन ये भी सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पैरों की सर्कुलेशन अच्छी रहे, ज़्यादा देर पैर लटका के मत बैठिए। सोते हुए भी कोशिश कीजिए कि पैर ऊपर रहें, तो इससे पैरों में पूलिंग नहीं होगी ब्लड की और कोविड डोज अपने आप रिलीव हो जाएगा। एक और चीज़ जो हम आजकल देख रहे हैं वो शायद कोविड की वजह से नहीं, कोविड के इलाज की वजह से, वो है स्टीरॉयड एक्ने। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोविड के इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म से बचाने के लिए स्टीरॉयड लेना पड़ा, उसकी वजह से एक्ने कई बार फेस पे और बैक पे फ्लेयर अप हो जाते हैं। आपको पहले नहीं थे तो भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करें सैलिसिलिक एसिड के साथ, और जो नॉर्मल ओवर द काउंटर एक्ने मेडिसिन मिलती है वो आप लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह कीजिए। तो कोविड से निकल आए तो ये सब क्या मायने रखता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सेहत याब रहें, अपना जो है इम्यून बूस्टिंग करें। और इम्यून बूस्टिंग का मतलब मल्टीविटामिन खाना नहीं है, अपने नॉर्मल खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। सुपर फूड्स को आज ही गूगल में रिसर्च कीजिए, जिसमें काले स्पिनेच और फ्लैक्स सीड्स आते हैं, उसको अपनी डाइट में शुमार कीजिए। आप अंदर से सेहतयाब होंगे तो बाहर के ये सिम्टम सारे ख़त्म होते रहेंगे।